हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल एक ऑर्नामेंटल लीफ वाले प्लांट, मनी प्लांट, जो कि मेरे ख्याल में वर्ल्ड में सबसे फेमस है, सबसे लाइक प्लांट में से एक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि इसकी लीफ बहुत ब्यूटीफुल लगे, जैसे ऐसे हैं तब ये बहुत प्रिटी लगता है, और जो ये ब्राउन लीव्स होती हैं साइड से, एजेस से, टिप से, इनका रीज़न क्या होता है, और जो ब्लैक स्पॉट्स होंगे उसका रीज़न क्या होता है। तो ये सारी लीफ प्रॉब्लम आज हम लोग को इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, और ढूंढने के बाद हम लोग वो सारी प्रॉब्लम फिक्स कर देंगे। सबसे पहला रीज़न है कि मनी प्लांट में या पोथोस में आप पानी ज़्यादा डाल रहे हैं। ज़्यादा डालने से क्या होता है, इसकी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, पॉटिंग सॉइल, उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, दलदल सा बन जाता है, और ड्रेनेज ठीक नहीं है, उसकी वजह से पानी निकल नहीं पा रहा है। और आपने एक बार ड्राई होने से पहले ही दोबारा डाल दिया, फिर थर्ड टाइम भी डाल दिया, तो क्या हुआ है, ये इसकी सॉइल में पानी बना रह गया है, और पानी की वजह से मिट्टी में एयर कम रह गई है, वेंटिलेशन नहीं रहा है, एयर खत्म होने की वजह से इसकी रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिला है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी सी रॉटिंग शुरू हो जाती है। रूट रॉट का कारण यही होता है कि आपने पानी डालते गए पानी ज्यादा हो गया, फंगल अटैक हो गया, और वो लीव्स और स्टॉक्स ब्राउन होने लग गई। सेकेंड रीजन क्या होता है, आपने इसमें अंडर वाटरिंग की है। अंडर वाटरिंग में क्या होता है कि इसकी सॉइल में पानी रहा ही नहीं है, और जब पानी नहीं रहता इसकी सॉइल में तो क्या होता है, ये ड्राई आउट होने लगता है। स्पेशली ये गर्मियों में ये होता है, पानी रिक्वायर्ड है, तो अंडर वाटरिंग भी एक और रीजन है। और थर्ड रीजन क्या होता है इसका, कि आपने इसको बहुत ज्यादा लाइट दे दी है। अगर बहुत लाइट दे देते हैं तो देखिए ये टिप्स ऐसे ब्राउन होने लग जाते हैं। लाइट और साथ में हीट, ये देखिए ऐसे करके। और एक और रीजन क्या है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, मनी प्लांट को जल्दी ग्रो कराने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा फर्टिलाइज कर देते हैं। बहुत ज्यादा मतलब एक चीज डाली, फिर कभी एप्सम सॉल्ट डाल दिया, कभी इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, और साथ में अगर आपने केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर दिया, फिर तो इसमें बहुत, अगर एक्स्ट्रा यूज कर लिया तो इसमें बहुत जल्दी ब्राउनिंग ऑफ टिप्स होने लगते हैं। तो ये ब्राउनिंग ऑफ टिप्स आप जैसे ही देखें तो आप उसका रीजन ढूंढना। अब इसका सबका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या है। इसका सॉल्यूशन है कि जब आपने अगर प्लांट में ऐसे ब्राउनिंग ऑफ लीव्स देखी है टिप्स में, और थोड़े बहुत अगर ब्राउन येलो हो गए, ब्राउन हो रहे नीचे के मैच्योर लीव्स, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले क्या करना है, इसकी पॉटिंग सॉइल चेक करेंगे आप। अगर पॉटिंग सॉइल चेक करते हैं और पॉटिंग सॉइल में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गीला है, बहुत ज़्यादा गीला है, और ड्रेनेज होल चेक करेंगे कि ड्रेनेज होल भी बहुत जल्दी से पानी निकल नहीं रहा है, इसके मतलब इसमें ओवर वाटरिंग हुई है। ओवर वाटरिंग अगर होती है तो ब्राउन टिप्स हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ड्रेन होल इसका किसी लकड़ी के या किसी शार्प चीज से उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वाटरिंग तभी करेंगे जब टॉप लेयर ड्राई हो जाए। और ये खड़े पानी खड़े होने का एक और रीजन होता है, साथ में आपके जो ये सॉइल ली आपने वो वेल ड्रेनिंग सॉइल नहीं है। वेल ड्रेनिंग सॉइल नहीं होती तो क्या होता है कि पानी यहाँ कहीं रुका रह जाता है, और उसके वजह से क्या होगा, पानी ये ड्रेन होल तो नीचे से देखिए खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, मगर मिट्टी ने रोक रखा है, इसकी सॉइल ने पानी अपने आप में रोक रखा है, तो सॉइल आपको चेक करनी पड़ेगी। ये मेजर रीजन होता है जिसकी वजह से आपकी लीव सारी ब्राउन हो रही है, ओवर वाटरिंग हो रही है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आप वेट करिए जब तक टॉप लेयर ड्राई ना हो जाए, चेक करके, चाहे दो दिन बाद चाहे तीन दिन बाद, आप जब तक ड्राई ना हो जब तक इसमें आपको पानी नहीं डालना है। पानी अगर डालते रहे तो ऐसे ही लीव्स ब्राउन होंगी और सारी खराब होती चली जाएंगी। अब नेक्स्ट रीजन, अगर आपने सॉइल चेक की इसकी, कि इसकी सॉइल कैसी, एकदम ड्राई है,
एकदम ड्राई है, बोन ड्राई जिसको कहते हैं, खुश्क एकदम, तब आप समझ जाइए कि पानी आपसे डालना रह गया है। अगर दो चार दिन अगर आप कहीं बाहर चले गए या ये गमला बाई चांस आपकी नजरों से रह गया है और पानी इसमें एकदम भी नहीं है, एकदम सूखा हुआ है, तब भी इसमें ब्राउनिंग शुरू हो जाएगी। पहले पीले होंगे, फिर डल होंगे और उसके बाद में ये ब्राउन होने लगेंगे, तब आप इसमें अच्छे से थरली वाटर कर सकते हैं। ऐसे वाटर करें ताकि ऊपर से डालें और ड्रेन होल से निकल जाए, हल्का हल्का पानी नहीं डालना है। क्या होता है, जैसे ये गमला है, ये गमला काफी बड़ा है, तो क्या होगा अगर आपने हल्का पानी डाला तो ऊपर ऊपर की जो टॉप सॉइल है, ऊपर का गमला इतना इसमें पानी आ जाएगा। आप चेक करेंगे तो ऊपर पानी होगा, मगर नीचे जैसे ये बड़ा प्लांट हो गया है, इसके नीचे तक, यहाँ तक इसके वो है, इसकी रूट्स है, तो नीचे की रूट्स फिर रह जाएंगी पानी से। तो आपको पानी ऐसे डालना है, जब भी डाले ऊपर से डालें और ड्रेन होल से निकल आए। आपका ये गमला बहुत ज्यादा धूप में रह गया है, धीरे धीरे ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे लीव्स हो जाएंगी और हीट भी ज्यादा है, ये ज्यादातर होता है गर्मियों में, लीव्स अजीब सी हो जाती है, लश्चर लूज कर जाती है एकदम। ये शेड लविंग प्लांट है, तो अगर इसको शेड देंगे तभी ये बहुत अच्छा करेगा, मगर ब्राइट लाइट में ही इसके कलर्स ऐसे खिल के आएंगे। गोल्डन पोथोस है क्योंकि ये गोल्ड कलर का है, देखिए इसमें चमक है, इसमें ये देखिए इसमें बहुत सारा गोल्डन वेरिएशन है, तो ये चमक तभी रहेगी जब ये ब्राइट लाइट में रहेगा, मगर हीट में, ज्यादा टेम्परेचर में और डायरेक्ट सनलाइट में ये खराब हो जाता है। शेड लविंग प्लांट है, तो आप अगर इस रीजन से अगर आपका धूप में रह गया गमला तो आप इसको अंदर कर सकते हैं शेड में। अब नेक्स्ट रीजन है कि ये आपने ओवर फर्टिलाइज कर दिया है, फोर्थ रीजन आखिरी वाला। अगर आपने इसको ओवर फर्टिलाइज कर दिया है तो इसका एक तरीका है कि आप इसमें इतना पानी डालें कि पानी डालते जाएं ताकि नीचे से इसकी लीच करता रहे, जितना भी एक्स्ट्रा केमिकल है वो सारा ड्रेन होल से पानी के साथ निकल जाए, और उसके बाद नेक्स्ट वाटरिंग तभी करें जब टॉपलेट ड्राई हो जाए। जैसे ये मैं अंदर रखना चाहती हूँ, इसको इंडोर रखना चाहती हूँ, ये लीफ खराब लग रही है, क्या मैं इसको काट सकती हूँ? हाँ, इसको ऐसे करके यहां से काट सकते हैं आप, ये देखिए अब इसका लुक अच्छा हो गया। मगर अगर बहुत सारी लीव्स आपकी ब्राउन हो गई है बहुत ज्यादा, तो सबको मत काटिए, क्योंकि ये फूड मैन्युफैक्चर करता है, ये लीफ का मेन काम फूड मैन्युफैक्चरिंग है, तो अगर बहुत सारी लीव्स काट दी तो इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ कम रह जाएंगी। थोड़ी 50% मैक्सिमम काट दीजिए, उससे ज्यादा नहीं। कई बार इनकी लीव्स पे जो ये ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं वो किसका रीजन से होते हैं? वो इस वजह से होते हैं क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो गया है, मॉइस्चर की वजह से फंगल अटैक है। कई बार एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर रह जाता है, या कई बार पानी की वजह से इसमें फंगस लग के ये एक टाइप ऑफ फंगल अटैक होता है, तो उसके लिए यह बैक्टीरियल अटैक भी हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, ये ब्लैक कलर का यहाँ पर ब्राउन ब्राउन बड़ा होता चला जाता है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल फंगीसाइड, कोई भी सिस्टमिक फंगीसाइड लेके, सिस्टमिक मतलब होता है जो सिस्टम में जाके एक्ट करता है, मतलब हम लोग रूट से डालते हैं, इतना हाफ टी स्पून हाफ अ लीटर वाटर में डाल के स्प्रे भी कर दें इसको और इसकी सॉइल में भी डाल दें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।